मिलती आप सभी को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शक मित्रों, हमारे किसान भाई बहन परंपरागत फसलों के साथ साथ वर्तमान समय में वैज्ञानिक विधि के द्वारा नकदी फसलों के उत्पादन के लिए बने रहते हैं। मसालेदार नकदी फसलों में अदरक एवं हल्दी के बीज में लगने वाले सरंगों यानी कि बीज उपचार के बारे में आपसे बातचीत करेगा। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रौद्योगिकी एवं वाणिज्य विश्वविद्यालय में सब्जी विज्ञान विभाग में सहायक वैज्ञानिक के तत्व का रक्त डॉक्टर मिले देखें, जिनसे हम जानेंगे कि अदरक एवं हल्दी के बीज में सरल रोग एवं बीज उपचार किस प्रकार के हैं। डॉक्टर मिले गुप्ता कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमारे किसान बंधु साथियों को सबसे पहले ये बताइए कि जो ये मसालेदार नकदी फसल मिलने में अदरक और हल्दी की बात करते हैं, ये किस प्रकार की फसलें हैं और इनमें कौन कौन से रोग लग सकते हैं जिनसे हमारे किसानों की खेती में नुकसान हो सकता है। अदरक और हल्दी है वो हमारे जितनी भी मसालेदार फसलें हैं, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में उनका प्रमुख स्थान है, क्योंकि जो किसान की आर्थिकी है वो उसको बढ़ाने में बहुत अपना योगदान देते हैं। लेकिन कई बार जो बीमारियों का प्रकोप है उनकी वजह से किसानों को काफी नुकसान होता है। तो आज हम बात करेंगे कि अदरक और हल्दी में कौन कौन सी बीमारियाँ लगती हैं। तो अगर हम बीज की बात करेंगे तो अदरक बीज में ज्यादा समस्या है बजाय हल्दी की। तो अदरक के बीज को जब आप खेत से निकालते हैं उस वक्त भी इसका आपको बीज उपचार करना आवश्यक है। फिर जब आप खेत में इसको लगा रहे हैं उस वक्त भी इसका उपचार करके ही आप लगाएं। इसके अलावा जब आप खेत में बीमारी के लक्षण देखे तब भी आप इसकी रोकथाम के लिए उपाय कर सकते हैं, क्योंकि अगले साल आप फसल में से ही बीज निकाल के अगले साल के लिए रखते हैं। तो ये भी आवश्यक है कि जब आप भंडारण में बीज को रख रहे हैं बीज अगले साल के बीज के लिए तब भी आप इसको उपचारित करके रखें। तो जब हम जैसे आपने खेत से निकाल लिया है बीज उस वक्त क्या इसका उपचार है, तो मैं पहले सबसे पहले उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि जो भी बीज है पहले आप उसकी अच्छी तरह से छिड़काव करें। जो आपको जिसमें लगे कि कोई सला गला सड़ा है या किसी प्रकार के बाहर उसमें किसी प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि स्वस्थ बीज में नहीं होते, तो आप इसको निकाल के अलग कर दें। उसके बाद जो आपका साफ अदरक है उसको आप लें और एक जैसे आप प्लास्टिक की बाल्टी ले सकते हैं या कोई टब जो प्लास्टिक का हो, जो आपने ये ध्यान रखना है कि वो किसी भी धातु का यानी कि मेटल का ना हो, क्योंकि जो दवाई है वो उसके साथ मिश्रित होकर उसमें वो बीज में दवाई का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो उसके लिए ये आवश्यक है कि आप प्लास्टिक का टब या बाल्टी लें और उसमें दवा का घोल बनाएं। तो दवा का घोल जो आप बना रहे हैं बीज के उपचार के लिए, जो हमारे विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित उपचार है, उसमें आप ये जो मैंकोजेब या जो बाजार में कई महीने से उपलब्ध है इसका आप 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसको घोलें। तो यदि आप मान लो आप 100 लीटर का टब ले रहे हैं तो आप इसमें 250 ग्राम ये आप दवा की मात्रा डाल सकते हैं और 100 लीटर पानी। उसके बाद जो आपका अदरक का बीज है उसको आप इसमें डाल दें और यदि हो सके तो कोई जाली या कोई पुरानी आपकी चादर है उसमें बांध के यदि आप बीज को डालेंगे तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी मिश्रण में आप अपना पूरा बीज उपचारित कर सकते हैं। तो जैसे आपने जाली में या चादर कपड़े की पुरानी आपकी चादर ली है उसमें आपने अदरक को बांध लिया और उसको आप पानी में दवा का जो घोल है आपने बनाया है उसमें डुबो कर रख दें। तो ये आपने जब आप जैसे ही आप डुबो रहे हैं उसके बाद आपने इसका टाइम लिमिट करना है कि सिर्फ आधे घंटे के लिए आपने इस दवा में इस अदरक को बीज को डुबो के रखना है और आधे घंटे बाद आप इस जाली से या चादर को बाहर निकालेंगे तो आपका बीज पूरा का पूरा आसानी से आप बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद उसी पानी को जो दवा का घोल है जो मिश्रण है उसी में आप दूसरा जो आपका लॉट है दोबारा से किसी और चादर या जाली में बांध के उसी पानी में दोबारा डाल सकते हैं। इस तरह से आपकी दवा कम का इस्तेमाल कम होगा और आप ज्यादा मात्रा में बीज को उपचारित कर सकते हैं। फिर उपचार करने के बाद जो आपने बीज निकाला है उसको आप 48 घंटे के लिए छाया में सुखा दें, क्योंकि वो अच्छे से सूख जाए उसके बाद ही आप इसको यदि आपने खेत में लगाना है तो आप खेत में लगाने से पहले भी इसको उपचारित करें और यदि आपने भंडारण में अगले साल के लिए रखना है तब भी आप इसी प्रकार से उपचारित
बीज को करें और फिर उसके बाद उसको आप भंडारण में डालें। जो अदरक में ये उपचार हमें इसलिए आवश्यक है करना क्योंकि इसमें कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। इसमें ये बीमारियाँ जैसे गठी सड़न जो अदरक में मुख्यतः बीमारी है जिसको हम इस बीज उपचार द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये जो गठी सड़न है ये चाहे वो भंडारण में भी रखा है तब भी बीमारी आ सकती है और यदि आपने वो खेत में फसल लगाई है तब भी आपकी बीमारी आ सकती है। तो गठी सड़न की रोकथाम के लिए हमें बीज उपचार करना आवश्यक है। तो गठी सड़न की यदि हम बात करते हैं तो इसके लक्षण तीन प्रकार से जो अदरक की गठियों हैं उनमें आते हैं या ये कह सकते हैं कि तीन कारण हैं जिनकी वजह से ये गठी सड़न जो अदरक में होता है। तो जिनमें से दो प्रमुख फफूंद है और एक बैक्टीरिया या जीवाणु जिसको कहते हैं उससे ये गठी सड़न जो अदरक में होता है। अदरक के बीज में खास तौर से इसका प्रकोप दिखाई देता है। तो यदि वो गठी सड़न बहुत नरम पड़ गई है या जिसको हम नरम विघलन बोलेंगे तो उस विघलन में आप देखेंगे कि गठी को आप थोड़ा सा दबाएंगे तो वो बहुत ही नरम हो जाती है और जब इसका इवन खेत में इसका रोग का प्रकोप आता है तो जैसे ही आप इसके तने को हल्का सा हिलाएंगे तो वो आसानी से बहुत बाहर आ जाता है मिट्टी से और जो जब आप मिट्टी हटाएंगे तो गठी अंदर से पूरी सड़ चुकी होती है। इसके अलावा जब यदि फफूंद जो दूसरी हमारी सीजेरियम है उसकी वजह से गठी सड़न होता है तो पौधा सूख जाता है, नरम होने की अपेक्षा वो सूख जाता है और जब यदि आप उसको खींचेंगे मिट्टी से तो वो आसानी से तना बाहर नहीं आ पाता और गठी भी ज्यादा सूख के बल्कि हल्की पिंक कलर की या गुलाबी रंग की उसमें फफूंद की ग्रोथ आप जब बहुत ज्यादा नमी है तब भी वो दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त जो तीसरा कारण है गठी सड़न का वो एक बैक्टीरिया या जीवाणु है। उसके लक्षण को आप पहचान सकते हैं कि जो वो तना है वो उसपे काले रंग की धारियां बन जाती है और इस केस में भी यदि आप तने को हल्का सा खींचेंगे तो वो आसानी से मिट्टी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस जो जीवाणु से ये समस्या गठी सड़न की है ये ज्यादातर गर्म इलाकों में जहाँ तापमान अधिक होता है नमी भी जब ज्यादा हो जाती है यानी कि बारिश ज्यादा है और खेत में पानी खड़ा है तो इस रोग का प्रकोप ज्यादा होता है और इस रोग के जो लक्षण है उनको आप आसानी से कैसे निरीक्षण कर सकते हैं कि ये जीवाणु जा रहे हैं या फफूंद जा रहे हैं। इसके लिए यदि आप थोड़ा सा गठी को साफ पानी में कांच के गिलास में या किसी साफ गिलास लेके कांच का उसमें आप थोड़ी सी गठी का टुकड़ा डालेंगे तो आप देखेंगे कि 15-20 मिनट में ही वो जो पानी है साफ साफ का वो दूधिया रंग का हो जाता है तो वो दर्शाता है कि उस गठी में जीवाणु का प्रकोप है। लेकिन इन तीनों ही रोगों के तीनों ही जो आपकी गठी समय है इनके लिए आप यदि नाइट्रोजन से उपचार करते हैं बीज का तो आप इस रोग को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जीवाणु यदि जीवाणु द्वारा ये गठी सड़न हुआ है तो इसके लिए आप कॉपर ऑक्सीड क्लोराइड या टेट्रासाइक्लिन का जो मिश्रण है उसमें कॉपर ऑक्सीड क्लोराइड की मात्रा रहती है 3 ग्राम प्रति लीटर पानी और टेट्रासाइक्लिन जो है वो 1 ग्राम 10 लीटर पानी की मात्रा से आप बीज को उपचारित कर सकते हैं और इस उपचार से आपका बीज जो है स्वस्थ होगा। तो यदि आप स्वस्थ बीज खेत में लगाएंगे तो आपकी फसल भी स्वस्थ होगी। लेकिन जो ये गठी सड़न की समस्या है जो बीज में आती है ये खेत से भी आती है और मतलब यानी कि मृदा जनित भी है और बीज जनित भी है तो इसके लिए हमें दोनों तरह से ध्यान रखना है कि संक्रमण मिट्टी से भी ना आए क्योंकि यदि आपकी मिट्टी में जो फसल लगी है वहां से संक्रमण आ रहा है तो भी आपका बीज बाद में वो संक्रमित हो जाएंगे और यदि आप संक्रमित बीज लगा रहे हैं चाहे उसको आप भंडारण कर रहे हैं चाहे उसको आप खेत में लगा रहे हैं तो आपका संक्रमण बीज द्वारा भी आ सकता है। तो हम साथियों जैसा डॉक्टर बताया कि स्वस्थ बीज आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब आपकी फसल उत्पादन स्वस्थ तरीके से होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप तमाम सावधानियां बरतते हुए अपने खेतों में उत्पादन करें और अपने बीज को जो है सही तरीके से रोग मुक्त तरीके से भंडारण करते हुए और उपचारित करने के बाद में खेती लगाएं। लेकिन ऐसा मैं साथ होता है कि अदरक और जो हल्दी है उसके बीज में रोग जो लगता है वो मृदाजनित और बीज जनित दो तरह से होते हैं। तो हमारे जो किसान है वो पता कैसे लगाएं कि ये रोग मृदाजनित है मिट्टी से होने वाला रोग है या बीज जनित है सीधा बीज पर रोग लगा। इसकी सबसे बड़ा पहचान के बारे में बताएं
और दूसरा ये चीज अगर मृदा जनित रोग है तो फिर मिट्टी का उपचार कैसे करें, और अगर बीज जनित रोग है तो बीज का उपचार कैसे प्रदान करें ताकि किसान को कम से कम नुकसान हो और उससे वो अच्छी फसल आगे भी प्राप्त कर सकें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो गठी सड़न है, अदरक और हल्दी की यदि हम बात करते हैं तो उसमें प्रमुख रोग है गठी सड़न। तो जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि यदि हमारे गठी में सड़न है तो इसका नाम गठी सड़न हम कर सकते हैं। तो ये जो रोग है गठी सड़न, ये दोनों प्रकार से बीज में आ सकते हैं। यदि मृदा में संक्रमण है तो भी बीज भी प्रभावित होगा, और यदि संक्रमण बीज द्वारा होता है तब भी आपकी फसल स्वस्थ होगी। तो दोनों तरह से संक्रमण बीज में हमें आ सकता है। तो यदि बीज के लिए जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि आप बीज का उपचार कर सकते हैं दवाई द्वारा, इसके अतिरिक्त जब भी आप बीज लगाएं तो स्वस्थ बीज का चुनाव करें, वो बहुत ही आवश्यक है। और यदि हो सके तो जहाँ से आप बीज ले रहे हैं तो वो जगह ऐसी हो जहाँ पे पहले बीमारी के लक्षण वहाँ ना हो, और जो भी आप बीज ले रहे हैं वो स्वस्थ हो। इसके अतिरिक्त जब आप मृदा जनित की बात करते हैं तो ये आवश्यक है कि जब आपकी फसल खेत में लगी है तो जो भी आपके संक्रमित पौधे हैं आप उनको निकाल के अलग कर दें, क्योंकि जो आपके संक्रमित पौधे हैं उन्हीं से संक्रमण स्वस्थ पौधों पर जाएगा, तो इनको आप निकाल दें। इसके अतिरिक्त वहाँ पे भी आप दवा का प्रयोग करें, जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 3 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा से आप ड्रेनिंग यानी कि सिंचाई खेत में आप करें जहाँ भी आप रोक के लक्षण पौधों में देखें। उसके अतिरिक्त जो आपका सबसे ज्यादा समस्या बीज सड़न रोग में है कि जब खेतों में पानी की निकासी उचित नहीं होती और पानी थोड़ा होता है तो इस रोग का प्रकोप बढ़ जाता है, क्योंकि पानी द्वारा ही इसके जो बीमारी है इसके बीजाणु है स्वस्थ पौधे की ओर संक्रमित पौधे से जाते हैं। तो यदि पानी का निकास होगा पौधे में और फसल में पानी नहीं खड़ा होगा तो आप बहुत हद तक जो संक्रमण है आपके स्वस्थ पौधे का उसको रोक सकते हैं, और जो भी आपका संक्रमित पौधा है उसको आप निकाल दें। और जब उसके बाद जब आप फसल निकाल रहे हैं उसके बाद उस समय भी आप ये ध्यान रखें कि जो आपके स्वस्थ बीज हैं या स्वस्थ गठियाँ हैं उनको आप अलग करें, और जो अस्वस्थ हैं या जो बीमारी ग्रस्त हैं उनको आप निकाल दें उस वक्त अलग कर दें, और स्वस्थ बीजों को ही आप चाहे भंडारण में रखें तो भी आप स्वस्थ बीज लें, और यदि आप खेत में लगा रहे हैं तब भी आप स्वस्थ बीज का ही चुनाव करें। डॉक्टर ने देखा और हमारे किसान भाई बहनों को कि अदरक और हल्दी में कभी बीज में ही क्या एक ही प्रकार के रोग लगते हैं या हल्दी के बीज में कुछ भिन्न प्रकार के बीमारियाँ और प्रकोप हो सकते हैं, और उनका फिर उपचार किस प्रकार करें और हल्दी का भंडारण किस प्रकार करें ताकि उनका ही बीज जो है रोग मुक्त हो और उसके लिए अच्छा जाएगा फसल का उत्पादन। जैसे अदरक और हल्दी की हमने बात की तो अदरक में गठी सड़न की समस्या ज्यादा है बजाय हल्दी के। हल्दी की फसल आमतौर से किसान भाई 2 साल के लिए हमारे खेतों में लगाते हैं और उसको भंडारण करने की इतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम खेत से निकालते हैं और थोड़े समय के लिए उसको रखते हैं। और गठी सड़न हालांकि अदरक के साथ साथ हल्दी में भी एक समस्या है, लेकिन अदरक में ये ज्यादा गंभीर समस्या है और उस वजह से हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जबकि हल्दी में बहुत ही कम मात्रा में ये रोग आता है। और परंतु यदि रोग आता है तो इसके लिए भी हम वही सावधानियां ले सकते हैं, जैसे कि आपका जो बीज है वो स्वस्थ हो, जो भी रोग युक्त बीज आप छाते हुए और जो रोगग्रस्त बीज है उसको आप निकाल के अलग कर देंगे और उसका ही प्रयोग आप बीज के रूप में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हल्दी में भी आप बीज का उपचार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जब से हम 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से हम घोल बनाकर उसमें हल्दी को आधे घंटे के लिए डुबो कर और उसके बाद उसको छाया में 48 घंटे के लिए सुखाने के बाद ही खेत में हम लगाने की सिफारिश करते हैं। परंतु अदरक में ये गठी सड़न ज्यादा गंभीर समस्या है हल्दी के बजाय, और हल्दी में कुछ प्रतिरोधी किस्में भी है जैसे कि सुगुना है, सुदर्शन है, जो कि ये गठी सड़न प्रतिरोधी है, उनको भी आप लगा के जो बीज के उपचार पर होने वाले खर्चे को बचा सकते हैं। इसके साथ ही जो आपका अन्य दवा के उपचार और जो आपके स्प्रे करने छिड़काव करने में जो समय और पैसा व्यर्थ है होता है पैसा लगता है उसको भी आप बचा सकते हैं यदि आप ये रोग प्रतिरोधी इसमें हल्दी में आप लगाते हैं गठी सड़न के लिए।
ang pagsakit pro pagbrati ko itpadan ko sa tumi Himachal Pradesh sa base ng mga agrami ng Jumi sa ito. Or nasa wala Himachal Pradesh sa brati pagda ko apni kshetro ke bees sambandhi sa nito ko pura ka. Tama ito para sa rajyo ng bees ang wo apni bees ka jo ang nirlat karte. Kusko nasa wala Himachal Pradesh sa brati pagda ko pura ka tumi ng bees ito. Ba ito wo ang website ko sa para sa pagda karte ni apni ako sa pagbita ng hindi. आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने किसान और बागवानों को अदरक के बीज में और हल्दी के बीज में लगने वाले संबंध से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई। अगर हमारे किसान बागवान इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अदरक का बीज उत्पादन करते हैं और इसका व्यवसाय उत्पादन करते हैं तो अधिक आर्थिक हो सकता है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम के यही कार्यक्रम करते हैं। आप सभी से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।